चल उधर से ना दिखे तो इधर उधर बैठ जाना है, उधर देखने में दिक्कत है इधर उधर एडजस्ट कर लेंगे। ये हमने लास्ट टर्न आपको बताया था इनवेरिएंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इनवेरिएंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब देखिए इनवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंज कंडीशन इनवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंज कंडीशन इनवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंज कंडीशन। तुम लोग इधर बैठ जाते इधर से ज़्यादा सही। इनवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंज कंडीशन, तो देखिए लॉरेंज कंडीशन प्रदीप सर की भी दे देना, जल ले लो जा, एक सर को चाहे दे देना। लॉरेंज कंडीशन रिलेट्स फाई एंड ए लॉरेंज कंडीशन रिलेट्स फाई एंड ए इन द फॉलोइंग रिलेशन फाई और ए को रिलेट करता है फॉलोइंग कंडीशन। डेल ए प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर देवर फाई अपॉन डेल ए वन अपॉन सी स्क्वायर डेवर फाई अपॉन डेवर टी। ए है मैग्नेटिक वेक्टर, दिख रहा है ना, न दिख रहा तो इधर बैठ जाओ। ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एक बार जाके इसके पहले वाली क्लास पढ़ लेना, ठीक है, तो वो सब आ जाए ऐप पे, इसके पहले वाली क्लास पढ़ लेना, बस 17 क्लास। हाँ तो 15, 16, 17 तीन देखनी तुम्हें, तो मेन 17 देखना, तो वही फॉर्म आ जाएगा। उसमें हमने फोर वेक्टर भी बताया और ये भी लास्ट 10 वाली क्लास। अब हम ये कर रहे हैं ना, क्योंकि अलग से टाइम हो नहीं पाता, तो हम जो पढ़ा रहे हैं वही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उससे हमको आसान हो जा रहा है, नहीं तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पा रही थी। तो ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, फाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, फाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो दो प्रकार के पोटेंशियल माने गए हैं मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए है और एक मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो स्केलर पोटेंशियल होता है, पर मैग्नेटिक फील्ड में दो पोटेंशियल होते हैं, एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है और एक मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ठीक है नूर आलम। अब देखिए, अब हमने फोर वेक्टर के फॉर्म में आपका इन पोटेंशियल्स को ले लिया, ठीक है, फाई एंड ए। जैसे कि करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी ने
फोर वेक्टर का फॉर्म दिखाया, उसी तरीके से करंट डेंसिटी जे करंट पर यूनिट एरिया और चार्ज डेंसिटी रो, दोनों ने मिलकर एक फोर वेक्टर का फॉर्म दिखाया है। ठीक है, उसी तरीके से ए और फाई भी फोर वेक्टर का फॉर्म दिखाएंगे। फोर वेक्टर का मतलब तीन वेक्टर, मतलब चार, फोर डायमेंशनल वेक्टर, ए वन ए टू ए थ्री और एक ये वाला फाई वाला बने। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए, पोटेंशियल ए ए एंड मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई, ठीक है, फाई आल्सो रिप्रेजेंट द फोर वेक्टर फॉर्म, फोर वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली, ठीक है, फोर वेक्टर फॉर्म, तो ए अल्फा बराबर कॉमा आई अपॉन सी फाई। ठीक, ये थोड़ा बोर्ड बीच में, जरा से ये वाली देखो कौन सी लाइट से ये बीच में चमक रहा वही दिख नहीं रहा है, इनमें देखो जरा, ये वाली चमक रही कि ये वाली, देखो जरा वो नहीं चमक रही, हाँ देखो जरा पहले बंद करके देखो फिर, तो ऊपर वाली अब नहीं चमक रहा, दिख ही नहीं रहा था। ठीक, तो ये देखिए ए अल्फा बराबर ए आई अपॉन सी फाई, आई अपॉन सी फाई, ए बराबर ए अल्फा बराबर ए कॉमा आई, तो ए में ए वन ए टू ए थ्री आएगा और आई अपॉन सी समझो ए फोर, तो वो चार फैक्टर के फॉर्म दिखाएगा फोर में, मतलब ए जो है उसमें होगा ए वन ए टू ए थ्री और ये आई अपॉन सी को ए फोर मानो, ऐसे चार वेक्टर का फॉर्म दिखाएगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फोर कोऑर्डिनेट्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स, इसको दिखाओ फोर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। फोर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, तो यहां पर डेवर ये है आपका डेल डॉट ए वन अपॉन सी स्क्वायर डेवर फाइव अपॉन डेवर टी, इसे हमने ऐसे किया डेवर ए वन अपॉन डेवर एक्स वन ए टू अपॉन डेवर एक्स टू
डेवर ए थ्री अपॉन डेवर एक्स थ्री ऐसे किया, डेवर ए वन अपॉन डेवर एक्स वन, डेवर ए टू अपॉन डेवर एक्स टू, डेवर ए थ्री अपॉन डेवर एक्स थ्री, ये डेल का कर दिया, इसको कर दिया आई सी डेवर फाइव आई सी थी। क्या कह रहे हैं, ए का मतलब ही ए वन ए टू ए थ्री, तो फिर तीन वेक्टर में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री में कैसे दिखाओगे? जैसे जे को हम ले लेते थे जे वन जे टू जे थ्री, और रो को हमने वैसे ही रखा था, तो वैसे ही यहाँ पर इस फॉर्म में करिए आप। है नहीं, डेल को आप x1, x2, x3 के फॉर्म में कर लो, जो हम पीछे भी करते आए हैं, आपका ये था ना, उसी से तो हम कंपेयर कर रहे हैं। करेंट डेंसिटी j था, डेल j था, प्लस डेवर रो अपॉन डेवर t बराबर जीरो था, ठीक है। तो हमने इसे क्या किया था, डेवर j1 अपॉन डेवर x1, देवर जे टू अपॉन देवर एक्स टू, देवर जे थ्री अपॉन देवर एक्स थ्री, ठीक है। और रो वाले में आई सी से मल्टीप्लाई करके ऐसे कर दिया था, आई सी देवर रो अपॉन देवर टी आई सी टी। तो ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, आई सी टी को एक्स फोर मानते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्स आई सी उधर कर दिया, तो डेवर जे वन डेवर एक्स वन, डेवर जे टू डेवर एक्स टू, डेवर जे थ्री डेवर एक्स थ्री, और इसे क्या कर दिया, डेवर आई सी रो डेवर एक्स फोर, इसे जे फोर मान लिया या आई सी रो के फॉर्म में रखा। तो अब ये जे, ये आपका फोर डायमेंशनल हुआ, J4 मान लीजिए, ठीक है, यही J4 है, इसको फिर आपने फोर डायमेंशनल में ऐसे दिखा दिया J अल्फा बराबर। तो हमने उसी से कंपेयरिंग कर रहे हैं, उस मतलब यहाँ पे, वहाँ पे क्या किया था कि हमने उस इक्वेशन से ये बनाया था, यहाँ ये मान लिया कि हमारा उसी तरीके का फॉर्म, इसको बना दे रहे हैं फोर डायमेंशनल। तो ये है अंतर, ठीक है। एक चीज़ जब हम कर चुके हैं तो फिर हमारे लिए एक आइडिया है ना, तो वही आइडिया हम लेकर कर रहे हैं। अब ये हो गया डेवर x4, तो डेवर a1 अपॉन डेवर x1, डेवर a2 अपॉन डेवर x2, डेवर a3 अपॉन डेवर x3, और ये हो गया i अपॉन c डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स फोर। ठीक है, अब बताइए, इससे आपने आई सी को उधर कर दीजिए, तो डेवर ए वन अपॉन डेवर एक्स वन, डेवर ए टू अपॉन डेवर एक्स टू, डेवर ए थ्री अपॉन डेवर एक्स थ्री, और डेवर एक्स फोर I अपॉन C फाइव, इसे A4 मानिए, तो डेवर A1 डेवर X1, A2 अपॉन डेवर X2, A3 अपॉन डेवर X3, डेवर A4 अपॉन डेवर X4, ठीक है। ये आप ऐसे कर लीजिए, ए फोर बराबर, ए फोर बराबर आई अपॉन सी फाइव, तो ये आपका आ गया फोर डायमेंशनल ऑपरेटर।
ठीक है, इसे हमने ऐसे दिखाया था ए अल्फा बराबर जीरो। ये क्वेश्चन है आपकी थर्ड, ये है फोर्थ। ये फोर डायमेंशनल ऑपरेटर। ये आपका फोर डायमेंशनल ऑपरेटर है डेल, चौकोर वाला। ये दिखाया ना, डेवर एक्स वन, डेवर एक्स टू, डेवर एक्स थ्री, डेवर एक्स फोर, फोर डायमेंशनल हम लिख दे रहे हैं, बिल्कुल सेम जो पिछले टर्न पर है। देखिए डेवर अपॉन डेवर एक्स वन, डेवर अपॉन डेवर एक्स टू, एक्स थ्री, डेवर अपॉन डेवर एक्स फोर, ये फोर डायमेंशनल ऑपरेटर है। डायमेंशनल ऑपरेटर, ये फोर डायमेंशनल ऑपरेटर है। डायमेंशनल ऑपरेटर, हाँ वो तो है ही। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन फाइव आल्सो रिप्रेजेंटेड एज डेवर ए अल्फा डेवर एक्स अल्फा, ऐसे। इक्वेशन फाइव और सिक्स जो है वो इनवेरिएंट फॉर्म को फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। दिस दिस फोर दिस फोर वेक्टर ए अल्फा, दिस फोर वेक्टर ए अल्फा, ये जो फोर वेक्टर ए अल्फा है, ए अल्फा आल्सो रिप्रेजेंट द इनवेरिएंट फॉर्म। दिस फोर वेक्टर ए अल्फा आल्सो रिप्रेजेंट द इनवेरिएंट फॉर्म, वो दर्शाता है इनवेरिएंट फॉर्म, आल्सो रिप्रेजेंट द इनवेरिएंट फॉर्म। ये इनवेरिएंट फॉर्म को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ट्यूबलाइट इधर लगवा देंगे या ऊपर लगवा देंगे, ये फोर वेक्टर का फॉर्म। अब देखो जरा, तुम नहीं आई थी गौरी, इधर देखो, इनवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंज कंडीशन, ठीक है। ये आप अभी पिछले टर्न वाली क्लास है 17 नंबर क्लास, वो पढ़ लेना जाके ऐप पे है, तो तुमको आसान लगेगा क्योंकि उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं। देखो लॉरेंज कंडीशन रिलेट्स, जो लॉरेंज कंडीशन है वो रिलेट करती है फाई एंड ए इन फॉलोइंग रिलेशन। तो ए है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल,
फाई है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, तो फाई और ए को फॉलोइंग वे में रिलेट करती है, डेल ए डाइवर्जेंस ऑफ ए वन अपॉन सी स्क्वायर डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर डेवर फाई अपॉन डेवर टी। ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, फाई मैग्नेटिक स्केलर, तो ये रिलेशन है। इधर देख लो जरा कि ए है मैग्नेटिक वेक्टर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है तो आपने बीएससी पार्ट टू में पढ़ा है कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए होता है, हमने पीछे भी पढ़ाया है, और मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही पोटेंशियल होता है स्केलर, मैग्नेटिक फील्ड में दोनों होते हैं। अब हमने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए एंड मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई आल्सो रिप्रेजेंटेड द फोर वेक्टर फॉर्म, ये भी प्रदर्शित करेगा कैसा, फोर वेक्टर का फॉर्म। फोर वेक्टर फॉर्म में क्या है, ए अल्फा लिया, ठीक है, मतलब ये पिछले वाले प्रूफ को करने के बाद हमने तुरंत ले लिया, उसमें थोड़ा सा हमने फट किया था। यहाँ पे हम जैसे क्या होता कि आपको अपने घर का रास्ता पता है तो आप वो कैसे जाना है ये मालूम है ना, वैसे ही हमें अब पता है कि हमको कैसे चलना है। या मान लीजिए कोई बच्चा है, या मान लीजिए आप हो, आपने कोई जगह एडमिशन लिया, मान लीजिए बीएड में एडमिशन लिया, तो नई जगह नए कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, आपको रास्ता पता नहीं, तब तो आप ढूंढ के पहुंचोगे, पर दोबारा आपको जाना पड़ेगा अपनी सहेली को ले जाके तो बहुत आसान होगा। तो वही है कि एक बार हम कर चुके हैं यही प्रूफ करंट इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के लिए, करंट डेंसिटी के लिए, तो हम उसमें तो हम पूछ रहे थे कैसे क्या किस तरह करना है, इसमें हमको मालूम है तो हम उसी फॉर्म पे चल रहे हैं, क्योंकि पहला इसका हमने इनवेरिएंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का किया है, और दूसरा इनवेरिएंट फॉर्म हम ये वाला कर रहे हैं। एक ही टॉपिक में दो है, ठीक है, मतलब एक हम टॉपिक करा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवेरिएंट फॉर्म ऑफ चार्ज पोटेंशियल्स, चार्जेस का, ठीक है। जैसे हमने फिजिकल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेकर, कोई भी क्वांटिटी हो सकती थी, मास भी हो सकता था, एनर्जी भी हो सकती थी, मोमेंटम भी हो सकता था, अब हमने चार्जेस लिए, तो एक करंट डेंसिटी का किया और चार्ज डेंसिटी का किया, तो वो आपस में रिलेटेड है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। वैसे ही मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए और मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई का किया। अब हमें मालूम है तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए एंड मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई आल्सो रिप्रेजेंट द फोर वेक्टर फॉर्म, ये भी प्रदर्शित करते हैं फोर वेक्टर का फॉर्म। तो हमने ए अल्फा ए कॉमा आई अपॉन सी फाई, तो ए में है, ए का मतलब है ए वन ए टू ए थ्री, और इस आई अपॉन सी का मतलब है ए फोर, ठीक है, मतलब ए वन ए टू जैसे आप आर लिखते हो तो आर में क्या होता है एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है, वैसे ही ए का मतलब ए वन ए टू ए थ्री तीनों है, और आई अपॉन सी का मतलब आई अपॉन सी फाई का मतलब है ए फोर। ऐसे इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ इन फोर वेक्टर कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन फर्स्ट को हम प्रदर्शित कर सकते हैं फोर वेक्टर कोऑर्डिनेट्स में, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर जीरो, सॉरी छूट गया, तो ये आपने इसको ऐसे किया डाइवर्जेंस ऑफ ए, यही इक्वेशन लिखी है वो गलती से हमने वो छूट गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए ये लॉरेंज कंडीशन है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वन अपॉन सी स्क्वायर डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर जीरो। अब डाइवर्जेंस का मतलब डेवर ए वन अपॉन डेवर एक्स वन प्लस डेवर ए टू अपॉन डेवर एक्स टू डेवर ए थ्री अपॉन डेवर एक्स थ्री, और इसमें जो है आई अपॉन सी, क्योंकि एक्स हमें किस में दिखाना है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, तो एक्स वन जो होता है ये ऐसे है, एक्स वन की वैल्यू एक्स है, एक्स टू की वैल्यू वाई है, एक्स थ्री की वैल्यू जेड है, और एक्स फोर की वैल्यू आई सी टी,
ये हमने x को x1 माना है, y को x2 माना है, z को x3 माना है और x4 डैश को क्या हम x4 को ICT। अगर यही हम उसमें ले लें, उसमें दूसरा ये फ्रेम F में दो फ्रेम लेते हैं, एक फ्रेम हमने लिया जो रेस्ट में दुमें और दूसरा फ्रेम जो मूव कर रहा है V वेलोसिटी से, तो जब हम दूसरे फ्रेम में लेते हैं तो हम इसी को, ठीक है, इसी को इधर लिख दे रहे हैं, अभी रफ कर देंगे, हम इसी को ऐसे लेते हैं, जैसे इसमें लिया x1 बराबर x, x2 बराबर y, x3 बराबर z, x4 बराबर i c t, ठीक है। ये फ्रेम F में है, फ्रेम F जो रेस्ट में है, जैसे क्लासरूम फिक्स फ्रेम है और मेज हमने लिया जो मूव कर रही है, कार लिया जो मूव कर रही है, तो उस F डैश फ्रेम में x1 डैश बराबर x डैश, x2 डैश बराबर y डैश, x3 डैश बराबर z डैश, x4 डैश बराबर i c t डैश, ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। तो x1 डैश की वैल्यू x डैश, x2 डैश की वैल्यू y डैश, x3 डैश की वैल्यू z डैश, x4 डैश की वैल्यू i c t डैश, ये तुम अलग से ऊपर लिख लो। एक फ्रेम F है जो रेस्ट में है, जैसे जैसे आप बी एस सी पार्ट थ्री में फ्रेम लेते थे, तो वो फ्रेम एक फ्रेम लिया और दूसरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक फ्रेम में पार्टिकल के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टी लेते थे, एक्स वाई जेड और टी, और दूसरे फ्रेम में पार्टिकल के कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में टी और टी डैश से कुछ हल नहीं हो पा रहा था, तो इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया कि एक्स फोर डैश जब लिया गया तो उन्होंने टी की जगह आई सी टी ले लिया, और यहाँ एक्स फोर डैश लिया गया तो आई सी टी डैश ले लिया। ये तो ये अलग से लिख लो, ये वाला हम रफ कर देंगे। तुम लोग तो बाहर तो जाना नहीं है, तुम लोगों को तो बाहर जाना नहीं है, पढ़ा देंगे ना हम दीपावली में, देखेंगे पहले थर्सडे तो पढ़ाने फिर देखते हैं, फ्राइडे पढ़ा देंगे, थर्सडे फ्राइडे पढ़ा देंगे, और फ्राइडे के बैचेस छुट्टी रहेगी तो तुम लोग पढ़ा देंगे, वो थर्सडे को हम बता देंगे। तुमको तो कहीं जाना नहीं गौरी, यहीं के हो ना, तुम भी यहीं के हो, तुम दोनों भी यहीं के हो, तुम्हें घर जाना है, ठीक ठीक, और बाकी दिन तो यहीं हो ना। अब देखो तो ये आपको क्लियर हो गया ना, x1 x2 x3 और x4, ठीक है। अब हमने क्या किया, डाइवर्जेंस ऑफ ए वन अपॉन सी स्क्वायर डेवर फाई अपॉन डेवर टी, ये जो इक्वेशन वो लिखी। अब इसको हमने क्या किया, डाइवर्जेंस ऑफ ए को जैसे नहीं कहते थे डेवर ए एक्स अपॉन डेवर ए वन अपॉन डेवर एक्स डेवर ए टू अपॉन डेवर वाई, वैसे ही किया डेवर ए वन अपॉन डेवर एक्स वन डेवर ए टू अपॉन डेवर एक्स टू डेवर ए थ्री अपॉन डेवर एक्स थ्री। ये डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू है इतने की, और वन अपॉन सी स्क्वायर डेवर फाई अपॉन डेवर टी, आई सी से मल्टीप्लाई आई सी से डिवाइड, तो आई सी ये और आई सी अंदर कर दिया। आई सी टी का मान क्या होता है एक्स फोर, ठीक है, तो और ये सी से ही कट गया तो आई अपॉन सी, तो डेवर ए वन अपॉन डेवर एक्स वन डेवर ए टू अपॉन डेवर एक्स टू डेवर ए थ्री अपॉन डेवर एक्स थ्री डेवर अपॉन डेवर एक्स फोर आई अपॉन सी फाई। अब आई अपॉन सी फाई की वैल्यू है ए फोर, तो डेवर ए वन अपॉन डेवर एक्स वन डेवर ए टू अपॉन डेवर एक्स टू डेवर ए थ्री अपॉन डेवर एक्स थ्री डेवर ए फोर अपॉन डेवर एक्स फोर। इसको हमने फोर फोर डायमेंशनल ऑपरेटर के अंतर्गत लिया, फोर डायमेंशनल ऑपरेटर के अंतर्गत लिया, तो ये आपका फोर डेवर अपॉन डेवर एक्स वन डेवर अपॉन डेवर एक्स टू
डेवर अपॉन डेवर एक्स थ्री, डेवर अपॉन डेवर एक्स फोर, ये फोर डायमेंशनल ऑपरेटर में लिए। तो ये ठीक है, तो ये आपका फोर इस तरीके से देख, और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, डेवर ए अल्फा अपॉन डेवर एक्स अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4 ठीक है। दिस फोर वेक्टर ए अल्फा आल्सो रिप्रेजेंट द इनवेरिएंट फॉर्म, या ये कह सकते हो दिस इक्वेशन इज आल्सो इनवेरिएंट, ये भी इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब एक फ्रेम में जो वैल्यू आ रही है वही दूसरे फ्रेम में वैल्यू आ रही है, एफ और एफ डैश में वैल्यू सेम है, ठीक है रवि, दोनों फ्रेम में वैल्यू का क्या है सेम, ठीक है। यहां तक नोट हो गया, हम रफ करें, ये वाला लिख लिया, अब देखिए अब हमने इनका ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन लिया, ठीक है, इक्वेशन फाइव, ठीक है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन रिलेशन फॉर फोर वेक्टर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन फॉर फोर वेक्टर ए मे बी एक्सप्रेस्ड एज, उसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं ए अल्फा डैश बराबर टी अल्फा बीटा ए बीटा, टी अल्फा बीटा ए बीटा, ए अल्फा डैश बराबर टी अल्फा बीटा ए बीटा, ऐसे हम दिखा सकते हैं। टी अल्फा बीटा की वैल्यू टी अल्फा बीटा की वैल्यू टी अल्फा बीटा, इधर लीजिए अल्फा इधर लीजिए बीटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये टी अल्फा बीटा के फॉर्म में, ये एक टेंसर लेते हैं टी अल्फा, उसके फॉर्म में लिया है। फोर रैंक की टेंसर लेते हैं, ठीक है, टी अल्फा बीटा इधर ही लिख देते हैं, टी अल्फा बीटा इज द टेंसर ऑफ रैंक फोर, फोर रैंक की टेंसर है, या नीचे लिख देंगे, ये तुम लोग तो पिछले टर्न लिए ही हो, जरा देखो क्या वैल्यू थी उसकी, जो पिछले वाले में ली वही है, तुम्हें याद करने की जरूरत, एक बार याद करना, गामा 0 0 आई बीटा गामा, फिर 0 1 0 फिर माइनस आई बीटा गामा 0 0, ठीक है, ये हमने रैंक, तो एक ही है तो तुमको अलग अलग नहीं याद करनी पड़ेगी, तो एक बार याद कर लीजिए,
टेंसर ऑफ रैंक 4, ठीक है। वेयर टी अल्फा बीटा इज द टेंसर ऑफ रैंक 4, ये टेंसर है रैंक 4 की, टेंसर ऑफ रैंक 4। वो आइडियल वे में हम इसको ऐसे दिखाते हैं, टी अल्फा बीटा को आइडियल वे का फॉर्म ये है, T11, T12, T13, T14, T21, T22, T23, T24, T31, T32, T33, T34, T41, T42, T43, 44, ये आपकी, ठीक है। आप शुरुआत करिए A1 डैश से, शुरुआत आप A1 डैश से करिए, A1 डैश, A1 डैश, ठीक है। चारों लीजिए, ठीक है। T1 बीटा, A बीटा, अब बीटा की वैल्यू 1, 2, 3, 4 लोगे तो T11 A1, T12 A2, T13 A3, T14 A4, T11 A1, T12 A2, T13 A3। अब देखिए जरा, A1 डैश बराबर T11 का मान क्या है, गामा A1, T12 की वैल्यू 0 A3, T14 की वैल्यू I बीटा गामा A4, तो यहां पर A1 डैश बराबर गामा A1 I बीटा गामा A4। A1 I बीटा A4, A4 की वैल्यू क्या है, देखो बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू V/C, याद रखना बीटा का मान V/C, ये लोग याद कर चुके हैं, जिसको ना याद तुमने भी पढ़ा है, बीटा बराबर 15वीं क्लास में है, बीटा बराबर V/C, और A4 का मान I/C5, तो A1 डैश बराबर गामा A1, ठीक है, प्लस I V/C, I/C5, तो I² गामा A1, I² की वैल्यू -1, तो V/C² 5, गामा की वैल्यू होती है वेयर
गामा बराबर अंडर रूट वन अपॉन वन माइनस बीटा स्क्वायर। गामा की वैल्यू है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर, ये गामा की वैल्यू होती है। तो इससे ए वन का मान आ गया ए वन बराबर ए वन माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर फाइव अपॉन अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर। ये ए वन डैश आ गया, ये ए वन डैश, ये ए वन डैश आ गया, ये ए वन डैश आ गया आपका। ए वन, हाँ साहिल देखना जरा ऊपर, एक साहिल हमें लग रहा है ऊपर, बुला दे जरा, एक बच्चा है अभी अस्सी पार्ट वन फोन कर रहा है, हम इधर ही हैं, उसको बुलाओ नीचे, कह दो साहिल नाम है उसका। ये ए वन की वैल्यू, ए टू में तो सीधा सीधा है ना, है ही नहीं तो लग कहीं और बैठ खड़े होकर फोन। ए टू डैश की वैल्यू टी वन टी टू बीटा ए बीटा, टी टू बीटा ए बीटा। अब रखिए जरा, ए टू डैश टी टू वन ए वन टी टू टू ए टू टी टू थ्री ए थ्री टी टू फोर ए फोर। तो ये देखिए, इसकी वैल्यू जीरो, इसका मान वन, इसका मान जीरो, इसका मान जीरो। तो ये देखिए, ए टू डैश बराबर ए वन वन ए टू जीरो ए थ्री जीरो ए फोर। तो ए टू डैश बराबर ए टू, ठीक है। इसी तरीके से सामने देखिए, टी थ्री थ्री की वैल्यू वन आएगी बस। तो हम डायरेक्ट अब लिख दें, ए थ्री बराबर ए थ्री डैश बराबर ए थ्री। बिल्कुल, ए फोर डैश बराबर ए फोर डैश बराबर टी फोर बीटा ए बीटा, टी फोर बीटा ए बीटा। ये नाम एक जगह लिख के दे दो तो हम अपने डायरी में लिख लेंगे। एक कागज निकाल के, रफ है ना, एक कागज निकाल दो, लिख दो एम एस सी फाइनल गुरुदेव। ए फोर डैश फोर वन ए वन फोर टू ए टू फोर थ्री ए थ्री फोर फोर ए फोर। नेम इधर लिख दो, इधर फीस, नेम ऑफ ए स्टूडेंट, इधर फीस लिख दो, जो आए हैं बस उनका। अब यहां पर फोर वन की वैल्यू ए फोर डैश फोर वन की वैल्यू माइनस आई बीटा गामा ए वन
ये जीरो हो गया, टी फोर टू, टी फोर थ्री, टी फोर फोर, ये जीरो, ये जीरो, और फोर फोर की वैल्यू है गामा, गामा ए फोर। गामा ए फोर ये आपका, देखो ए फोर वाला फिर बता दे रहे हैं, ए फोर डैश बराबर टी फोर बीटा ए बीटा, टी फोर वन ए वन, टी फोर टू ए टू, टी फोर थ्री ए थ्री, टी फोर फोर ए फोर। ये हो गया ए फोर डैश बराबर माइनस आई बीटा गामा ए वन, भाई आई बीटा गामा है, देखो ये टी फोर, टी फोर वन का क्या है माइनस आई, आई बीटा गामा, ये जीरो, ये जीरो, और ये क्या है गामा, गामा ए फोर। ठीक है, ऐसे अब आपका आया तो ए फोर डैश आई बीटा गामा ए वन था, तो हमने गामा बाहर लेके ऐसे कर दिया, ए फोर माइनस आई बीटा गामा बाहर ए वन। ठीक है, तो ये वैल्यू ए फोर डैश की वैल्यू आई अपॉन सी फाई डैश गामा, आई अपॉन सी फाई आई बीटा ए वन, आई अपॉन सी बीटा की वैल्यू लिख देंगे तब वो बाहर आएगा, तो आई अपॉन सी फाई डैश आई अपॉन सी गामा फाई। ठीक है, आई बाहर हो गया, वी ए वन, वी ए वन बचेगा, वी अपॉन सी आई बाहर हो गया, बीटा की वैल्यू वी अपॉन सी। तो ये भी आई अपॉन सी कट गया, तो फाई डैश बराबर फाई ए वन। ये आपकी ठीक है, ठीक है, दिस इज द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है मैग्नेटिक पोटेंशियल का, विच दिस ट्रांसफॉर्मेशन, this transformation, transformation is invariant, invariant, ये transformation भी invariant, ये हो गया भाई। ठीक है, अब अगले टर्न पे बहुत बड़ा प्रूफ है, सौम्या ने फीस जमा करी है, बाकी लोग भी जल्द से जल्द फीस जमा करें। श्वेता आई नहीं है, तुम लोग नाम लिख दिए उसका, ऐसे तो वो क्या नाम उसका, लुबना भी नहीं आई है।
ठीक है। ये पूरा हो गया, बहुत बड़ा टॉपिक है अगले टर्न पर, जैसे ये तो छोटा है, अब शुरुआत होने वाली है। हाँ वो जैसा पूछ लिया जाए, अगर वो पूछा जाएगा तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो। ये 50 मिनट की क्लास हो गई।